हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। राधिका ब्लॉग्स 42 में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं गाइस। तो गाइस, आप सभी को मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है रक्षाबंधन, तो मैं यहाँ पर जस्ट अभी नहावा कर आई हूँ। घर की सारी साफ सफाई हो गई है। सुबह मॉर्निंग का जल्दी का टाइम है, तो यहाँ पे मैं अभी रक्षा पूजा कर रही हूँ, मतलब राखी को पूज रही हूँ। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर राखी को पूजा जाता है तभी राखी बांधी जाती है। तो यहाँ पे मैंने बस पूजा करने के बाद, फिर उसके बाद मेरे को मायके जाने की भी तैयारियाँ करनी है, मेरे को जाना है घर पर। और अभी कनक भी आएगी राखी बांधने के लिए अपने भाइयों को। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ विस्तार से हम लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो गाइस, ये पर्व ना केवल समाज में महत्व रखता है बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते को भी दर्शाता है। गाइस, ये पर्व भाई बहन के रिश्ते और प्यार का प्रतीक है। आपको पता है गाइस, महाभारत के युद्ध के समय से पहले जब श्री कृष्ण भगवान ने भगवान को 100 गालियां देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण भगवान ने वध कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी उंगली से ना ब्लड आने लगा था, मतलब खून आने लगा था। और जो वहां पर द्रौपदी मौजूद थी, उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब से श्री कृष्ण भगवान ने उनको हर संकट से बचाने का वचन लिया। और उसके बाद से ही तब से ही गाइस रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। मतलब सभी बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाती है और अपने भाई की हाथों में कलाइयों में राखियां बांधती है। तो देखिए, हमारी यहाँ पे प्यारी सी बिटिया भी आ गई है कनक, और अपने तीनों भाइयों को राखी बांधने के लिए। तो अभी तो कृष्णा नहाने के लिए गए थे, तो कृष्णा का वेट करते करते थोड़ा लेट हो जाते, क्योंकि फिर एक टाइम भी था राखी बंधवाने का। उसके बाद हमने पहले त्रिशभ को राखी बंधवाई, और उसके बाद मयंक को, और उसके बाद आ गए थे कृष्णा भी नहाकर। तो चलिए, हमारी बहुत प्यारी सी बिटिया है कनक, छोटी सी। और यहाँ पे ना गाइस, इसको मतलब थोड़ी मैं भी हेल्प कर रही थी, कनक सिर्फ राखी को वो कर रही थी, मतलब बांधना नहीं आ रहा था, बहुत छोटी है ना। तो यहाँ पे बारी बारी से कनक ने अपने तीनों भाइयों को टीका लगाया और राखी बांधी, मिठाई खिलाई। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए और व्लॉग को स्किप मत करना, व्लॉग को पूरा देखना। और गाइज, यहाँ पे कनक बहुत छोटी है ना अभी, तो बहुत कंफ्यूज हो रही थी, बारी बारी से पूछ रही थी मम्मी अब क्या करूँ अब क्या करूँ। तो पूछ पूछ के सब कुछ अच्छे से टीका कर रही है अपने भाइयों को, और यहाँ पे राखी बांध रही है। तो यहाँ पे अभी श्यामा को राखी बांध रही है, अभी श्यामा कनक को गिफ्ट भी देंगे। ये फाइनली आ गए हैं इनके सबसे बड़े भाई और सबसे प्यारे और सबसे लाडले भाई, जिनकी दोनों की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और दोनों प्यार भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए गाइज, ये कनक ना मतलब यहाँ पे हम लोगों को हंसी भी आ रही थी, और मैंने कहा कृष्णा आज आपको कनक के पैर छूने, कहते नहीं मम्मी मैं पैर नहीं छूँगा। मैंने नहीं बेटा, आज तो छूने ही पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे कनक भी बोली हाँ भैया, आज तो आपको पैर छूने ही पड़ेंगे मेरे, और मुझे फटाफट से गिफ्ट भी दो। तो गाइज, ये बहुत प्यारा सा मोमेंट है जो हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है, मतलब रिकॉर्ड हम मतलब हमेशा रखेंगे, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। भगवान इन सब का प्यार ऐसे ही बना रहे, इनके बीच में कोई दरार ना आए, बच्चों के बीच में हमेशा इनका प्यार ऐसे ही बना रहे। तो गाइस, प्यार दोनों साइड से बहुत आया है तभी बना रहता है। अगर कोई एक दूसरे एक साइड से कर रहा है, दूसरा साइड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उससे उसमें कोई रिश्ते में वो रिश्ता ख़राब होना ही होना है। तो यहाँ पे हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं कि भगवान इन लोगों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। कहावत है ना गाइस की, एक साइड से तो हम लोग रोटी सेक कर भी नहीं खा सकते, तो वही रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर हम रिश्ता दोनों साइड से रखेंगे तभी रिश्ता चलेगा, नहीं तो रिश्ता टूटना ही टूटना है। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ पे कनक ने सबको राखी बांध दी अपने तीनों भाइयों को, और आज कनक से हमेशा मतलब कनक के ये अजय पापा जो बड़े पापा हैं वो भी राखी बंधवाएंगे, शुरू से राखी बंधवाते हैं कनक से। और आज हम लोगों को कनक को ऐसा लग रहा है जैसे कनक शादी में मतलब ऊपर से लेकर आ रही थी थाली, और साथ में मिठाई का डब्बा भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ आज कनक की शादी हो गई और कनक शादी के बाद आ रही है, ऐसा हम लोगों को फीलिंग ऐसी आई। तो मैं उस टाइम पर पूजा कर रही थी, तो यहाँ पे अभी कनक को थोड़ा सा लाड़ किया कनक के पापा ने, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको, तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, कृष्णा श्यामा से भी ज़्यादा प्यार इसको करते हैं। मतलब इसको ना देखे तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन हो जाते हैं। तो साथ में बोल रहे हैं
कि कनक अच्छे से बांधना मेरी राखी, क्योंकि ये गाइस हमेशा इनकी जब राखी बंधी रहती है ना पूरी साल राखी चलाते हैं ये, मतलब पूरी साल, मतलब ये रक्षाबंधन वाले दिन ही अपनी जो पुरानी राखी होती है वो निकलवाते हैं तभी बंधवाते हैं। तो यहाँ पे अभी कनक से बोले, कनक मेरे लिए ऐसी राखी, मतलब अपनी पसंद की राखी लेकर आना कि हाँ जो कलावे में पिरी हुई रहती है पूरी पूरी राखियाँ, मतलब जो मेरी पूरी साल राखी चल जाए। तो यहाँ पे कनक अपने बड़े पापा को राखी बांध रही है, ये भी बहुत प्यारा मोमेंट है। और गाइस हम ही कनक को प्यार नहीं करते, कनक भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड तो यहीं पे करती हूँ और अभी मैं माइक के लिए रेडी होती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और ब्लॉग के साथ।